बाबा महाकाल के दरबार में काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इन सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए वहाँ पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहता है, जो भक्तों की जान माल की हिफाजत के लिए मुस्तैदी से वहाँ अपना काम करता है। लेकिन चोर उचक्के किसी न किसी तरीके से यात्रियों के सामान पर अपना हाथ साफ कर ही लेते हैं। इसी समस्या के चलते महाकाल मंदिर में इन दिनों एक स्पेशल सुरक्षाकर्मी रोड शो की टीम बनाई गई है। ये टीम संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखती है, जिसकी जिम्मेदारी की सुरक्षा अधिकारी महिला पुलिस रूबी यादव को दी है। इस महिला पुलिसकर्मी ने चोर उचक्कों के छक्के छुड़ा दिए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक सुरक्षाकर्मी की रोड शो टीम बनाई गई है। ये मंदिर के आसपास से अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ ही संदिग्धों पर भी नज़र रखती है। इन दिनों मंदिर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव के नेतृत्व में सुरक्षाकर्मी रोड शो की टीम बनाई गई, जिसके बाद से चोरी की घटना में कमी देखी जा रही है। रूबी यादव के बारे में बताएं तो जब भस्मारती काउंटर के बाहर एक यात्री जो कि दर्शन करने आए थे, उनके जूते चुराकर वो चोर भाग रहा था, जिसको वहाँ मौजूद टीम ने गिरफ्तार किया और तलाशी लेने पर चोर की जेब से मादक पदार्थ भी मिला है और मोबाइल भी मिला है। स्विच ऑन करने पर जिसका मोबाइल गुम हो गया था उसका उस पर फ़ोन आ गया और ये पता लग गया कि इसके पास ये मोबाइल है वो चोरी का है और उक्त आरोपी को महाकाल पुलिस के हवाले किया गया। और इस सजगता को लेकर दर्शनार्थियों ने महाकाल सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की और महिला पुलिस रूबी यादव की भी प्रशंसा की और कहा कि अगर इसी सजगता से काम किया जाएगा तो निश्चित ही दर्शनार्थी मंदिर की एक अच्छी छवि लेकर अपने साथ वापस लौटेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।